बड़ी खबर से उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भूकंप के तेज झटके सुबह 6:31 पर महसूस किए गए। भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही भूकंप की तीव्रता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त उत्तराखंड में भूकंप के झटके, भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अजीत काम्बो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अजीत, क्या कुछ खबर? 4.7 रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बिल्कुल पंकज, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, जिस तरह से उत्तराखंड भूकंप के मामले में काफी संवेदनशील है और लगातार यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस भी किए जाते रहे हैं, और आज सुबह की अगर बात की जाए तो 6:31 पर 4.7 रिक्टर स्केल पर उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जिसका केंद्र बागेश्वर रहा। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल की कोई नुकसान की कोई खबर अभी नहीं मिली है, लेकिन भूकंप की तीव्रता ऐसी रही और जिन्होंने महसूस किया सीधे घर से बाहर भागे हैं। अफरा तफरी का माहौल एक बार को जरूर बना, लेकिन कोई नुकसान की खबर अभी नहीं मिली है। हालांकि मौसम विभाग या अर्थक्वेक जो सेंटर्स हैं उनकी तरफ से जो जानकारी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि ऐसे कोई बड़ा झटका यहाँ पर नहीं था। 4.7 रिक्टर स्केल पर ये झटके थे, इतने हानिकारक नहीं थे, लेकिन भूकंप का नाम सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, जो देखने को भी मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जानकारी के लिए आपका। तो भूकंप से किसी भी तरह के तो नुकसान की आशंका नहीं, कोई खबर ऐसी नहीं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भूकंप के झटके सुबह 6:30 महसूस हुए। भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, रिएक्टर स्केल पर 4.7 रही भूकंप की तीव्रता।